तो अगर आप मूवीज देखते हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, तो डेफिनेटली एक शब्द सुना होगा आपने, वन मैन आर्मी। ये वन मैन आर्मी का जो टर्म है या जो कॉन्सेप्ट है, उस हीरो के लिए यूज होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेजर रोल प्ले कर रहा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा होता है। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है वन पर्सन कंपनी, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया। अब सिंस ये वन पर्सन कंपनी है, तो यानी एक शेयर होल्डर भी होगा। ये शेयर होल्डर ही सारा का सारा शो रन कर रहा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या है वन पर्सन कंपनी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित एंड यू वाचिंग टैक्स फॉर वेल्थ। मेरे पिछले वीडियो में हमने कवर किया कि एक न्यू बिजनेस के लिए, एक नए स्टार्टअप के लिए सबसे बेस्ट एंटिटी कौन सी हो सकती है, यानी क्या एक पार्टनरशिप सबसे बेहतर होगा, प्रोप्राइटरशिप अच्छा होगा, LLP या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हमारे इस वीडियो को आप ऊपर आ रहे कार्ड पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में आ रहे लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। खैर, उस वीडियो को अगर हम समराइज करें तो हमने एक चीज ऑब्जर्व करी, नोटिस करी कि एक कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ऑन द अदर हैंड, एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म या पार्टनरशिप की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये होती है कि पार्टनर्स की या प्रोप्राइटर की लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। यानी अगर कंपनी के असेट्स पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है, तो पार्टनर्स या प्रोप्राइटर की पर्सनल असेट्स बेच करके भी उन डेट्स की रिकवरी की जा सकती है। तो अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी लायबिलिटी भी लिमिटेड रहे, आप अकेले शो रन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप इस बिजनेस को अकेले रन कर सकते हैं, तो आपको बनानी चाहिए वन पर्सन कंपनी। सो सबसे पहले एडवांटेजेस को काउंट करते हैं कि क्या है फायदे ओपीसी बनाने की, यानी वन पर्सन कंपनी बनाने के। तो पहला सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये कि इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी आपके बिजनेस में अगर आपका बिजनेस का फंड इनफ नहीं है तो आपके पर्सनल असेट्स को कोई टच नहीं कर सकता है। दूसरा एडवांटेज कि अगर आप चाहते हैं या आपको लगता है कि आप अपने बिजनेस को अकेले ही रन कर सकते हैं, किसी और पार्टनर या किसी और पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये आपके लिए बेहतर है कि आप ओपीसी बनाएं। तो इस तरीके की ओपीसी बहुत सारे लोग जो अकेले काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल CA, लॉयर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर्स, फ्रीलांसर्स, जर्नलिस्ट, इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जो अकेले ही अपना सारा का सारा शो रन कर सकते हैं। साथ ही वो ये चाहते हैं कि उनके पर्सनल असेट्स को हाथ ना लगाया जाए, तो वन पर्सन कंपनी बनाई जाती है। दूसरा एडवांटेज ये कि इसके कंप्लायंस रिक्वायरमेंट बहुत कम है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो या ROC हो, यहां इसके कंप्लायंसेस बहुत बहुत कम है, अगर एक कंपनी के कंपैरिजन में एक प्राइवेट लिमिटेड से कंपेयर करते हैं तो। तीसरा एडवांटेज ये कि परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि जिस पर्सन की ये कंपनी है या जो इकलौता शेयर होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट्स करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे सिचुएशंस में उसका नॉमिनी उसके बिजनेस को रन कर सकता है। जबकि हम अगर एक प्रोप्राइटरशिप फर्म को देखते हैं या फिर पार्टनरशिप फर्म को देखते हैं, तो जो पर्सन उस बिजनेस को रन कर रहा होता है उसकी डेथ हो जाने की सिचुएशन में या उसके कॉन्ट्रैक्ट्स के करने में सक्षम ना होने की स्थिति में उस प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करना पड़ता था। सो यहां एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका नॉमिनी, यानी वन पर्सन कंपनी ने एक जो नॉमिनी अपॉइंट कर रखा है, वो नॉमिनी उस बिजनेस को आगे कैरी कर सकता है। चौथा एडवांटेज ये कि अगर कल को इस वन पर्सन कंपनी के इकलौते शेयर होल्डर को लगता है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है, एक बड़ा स्ट्रक्चर देना चाहता है, एक फुल फ्लेज्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहता है, तो भी बिल्कुल पॉसिबल है वो इस ओपीसी से एग्जिट लेकर के अपने इस ओपीसी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है। अब एडवांटेजेस हमने समझ लिया, अब चलिए समझते हैं कि ये वन पर्सन कंपनी आखिर बना कौन सकता है। पहला रिक्वायरमेंट ये कि ये एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए। नेचुरल पर्सन मतलब एक जीता जागता इंसान होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि नेचुरल पर्सन के अलावा कोई और दूसरे पर्सन भी होते हैं क्या? जी हां, बिल्कुल होते हैं। कंपनीज एक्ट में या इनकम टैक्स एक्ट में आपने नोटिस किया होगा कि एक इंडिविजुअल के अलावा बाकी लोगों को पर्सन काउंट किया जाता है। वो कंपनी हो सकती है, AOP हो सकती है, BOI हो सकती है या फिर HUF हो सकती है। दूसरा कंडीशन ये कि ओपीसी बनाने वाला पर्सन एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये कि वो एक माइनर नहीं होना चाहिए, यानी उसकी एज 18+ होना चाहिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, वो पर्सन ही एक ओपीसी बना सकता है। फोर्थ रिक्वायरमेंट ये कि ये पर्सन एक रेजिडेंट
इंडियन होना चाहिए, यानी कोई भी एनआरआई इस ओपीसी को नहीं बना सकता है। इस वन पर्सन कंपनी में एक और छोटा किरदार होता है, उसे कहते हैं नॉमिनी। जैसे मूवीज में होता है कि एक हीरो होता है, एक साइड हीरो होता है। साइड हीरो का काम तब तक नहीं आता जब तक कि मेन हीरो है। सेम वैसा ही कुछ है ओपीसी में भी, यानी एक पर्सन जो कि इस ओपीसी को बना रहा है वो अपना एक नॉमिनी बताएगा, और ये मैंडेटरी है, मस्ट है, उसे एक नॉमिनी बताना ही है। ये नॉमिनी तब तक कुछ भी नहीं करेगा जब तक कि मेन शेयर होल्डर एग्जिस्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए एलिजिबल है। यानी मेन शेयर होल्डर की डेथ की सिचुएशन में, या फिर मेन शेयर होल्डर या इकलौता शेयर होल्डर जब कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए इनएलिजिबल हो जाता है या कर नहीं सकता है, तो वैसे सिचुएशंस में नॉमिनी का रोल निकल करके आता है। इससे पहले नॉमिनी कुछ भी नहीं कर सकता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि क्या लीगल हेयर्स भी नॉमिनी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट नहीं हो सकते हैं। यानी एक शेयर होल्डर को ये मस्ट है बताना कि उसके नॉमिनी कौन है, क्योंकि लीगल हेयर्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, जबकि वन पर्सन कंपनी में सिर्फ एक और एक ही शेयर होल्डर हो सकता है। इसलिए ओपीसी बनाते वक्त ही इस नॉमिनी के डिटेल्स दे देने होते हैं, सो दैट फ्यूचर में किसी तरीके का क्लैश या फ्यूचर में किसी तरीके के डिस्प्यूट्स ना हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपीसी बना सकता है, साथ ही एक पर्सन एक ही ओपीसी में नॉमिनी हो सकता है, यानी एक से ज्यादा ओपीसीज में एक इंडिविजुअल नॉमिनी नहीं हो सकता है। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि इसकी एक एडवांटेज तो यह है कि इसमें कंप्लायंस कम है, और कंप्लायंस कम किस लिए है? कंप्लायंस इसलिए कम है कि गवर्नमेंट ने बोला कि आप एक छोटा बिजनेस रन करना चाहते हो, इसलिए आपके कंप्लायंसेस हमने कम रखे हैं। तो अब यह मस्ट हो जाता है कि आपका बिजनेस सच में छोटा ही रहे। छोटे का डेफिनेशन क्या है? छोटे का डेफिनेशन यह है कि आपका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन 50 लाख से कम का होना चाहिए, और आपके टर्नओवर पिछले 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स के एवरेज 2 करोड़ से कम होना चाहिए। तो यह है डेफिनेशन छोटे बिजनेस का। यानी अगर इस लेवल से ज्यादा आपका बिजनेस होता है, यानी अगर आपका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, या आपके पिछले 3 साल के जो टर्नओवर्स हैं वो 2 करोड़ से ज्यादा हो जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको अपनी ओपीसी को एक फुल फ्लेज्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये कंपल्सरी कन्वर्जन होगा। और ये लॉजिकल भी है, गवर्नमेंट ने आपको रिलैक्सेशन सिर्फ इसलिए दी थी कि आप एक छोटे बिजनेस को रन कर रहे हैं, लेकिन आपका अगर बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको और ज्यादा एक्सपर्ट्स और ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो जरूरी हो जाता है कि आप अब इस बिजनेस को एक फुल फ्लेज्ड कंपनी के जैसे रन करें। तो ये तो था कंपल्सरी कन्वर्जन की, यानी आपका बिजनेस अगर बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, ऐसे सिचुएशन में आपको बिजनेस को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसको वॉलंटियरली, यानी स्वेच्छा से मैं चाहता हूं कि इस बिजनेस को मैं एक फुल फ्लेज्ड प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो क्या कर सकता हूं? इसका आंसर है जी हां, कर सकते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन के 2 साल के बाद, यानी आपको 2 साल तक का वेट करना पड़ेगा, 2 साल के बाद आप इस ओपीसी को एक फुल फ्लेज्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इस ओपीसी का, अगर इस इकलौते शेयर होल्डर को लगता है कि उसके बिजनेस को रन करने के लिए एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है, और ज्यादा मैन पावर और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे सिचुएशंस में वो डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता है। मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं एक ओपीसी में। तो एडवांटेजेस हमने कवर कर लिया, आप चलिए समझ लेते हैं कि क्या है लिमिटेशंस इस ओपीसी के। सो पहली लिमिटेशन ये कि इसका शेयर होल्डर सिर्फ एक ही हो सकता है। तो इसका नुकसान ये हो सकता है कि अगर आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट हो, आपको फंड की रिक्वायरमेंट हो, तो ऐसे सिचुएशन में वेंचर कैपिटल आपको मिलना मुश्किल है, क्योंकि वेंचर कैपिटल के लिए जरूरी हो जाता है कि एक से ज्यादा शेयर होल्डर हो। वो वेंचर कैपिटलिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी कंपनी में उनकी हिस्सेदारी हो जब ही वो आपके बिजनेस में फंड लगाते हैं। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये कि आप एक से ज्यादा शेयर होल्डर रख नहीं सकते हैं, और एक से ज्यादा शेयर होल्डर रखने के लिए आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरी लिमिटेशन ये कि इसमें आप ईसॉप्स नहीं दे सकते हैं। तो अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपका एक बिजनेस जस्ट शुरुआती स्टेज में एक स्टार्टअप है, तो बहुत सारे इंप्लॉयज का मोटिवेशन का फैक्टर जो होता है वो ये होता है कि वो कंपनी के ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकें, वो कंपनी के बिजनेस में हिस्सेदार बन सकें। लेकिन सिंस इस कंपनी की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये कि इसमें शेयर होल्डर एक हो सकता है, यानी आप अपने उन एम्प्लॉयज को
मोटिवेट करने के लिए ईसॉप्स नहीं दे सकते हैं। तो अब तक हमने कवर कर लिया की फीचर्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, और अब अगर हमें लगता है कि एक ओपीसी बनानी चाहिए तो कैसे इनकॉर्पोरेट होगी ये ओपीसी। तो ओपीसी इनकॉर्पोरेट करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट तो ये कि आपके पास एक डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। अब समझते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर्स कैसे मिलेंगे। तो डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए आपको चाहिए आपका पैन नंबर, आधार नंबर, देन आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए, आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, और इन सब डॉक्यूमेंट्स से लेकर के आप अपना डिजिटल सिग्नेचर बनवा सकते हैं। दूसरा डिन नंबर यानी डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपको आरओसी से लेना होगा। थर्ड इज नेम अप्रूवल यानी आपका बिजनेस का एक नाम यूनिक होना चाहिए। यहां पे नेम सिक्योरिटी भी है यानी आपका ये ओपीसी है इसका नाम जो होना चाहिए यूनिक होना चाहिए और किसी और दूसरे बिजनेस का नाम नहीं हो सकता है। तो जब भी आप ओपीसी में अपने नाम के लिए अप्रूवल के लिए अप्लाई करें तो मेक श्योर कि आप एक से ज्यादा नाम सजेस्ट करें कि इन केस आपने जो फर्स्ट नेम सजेस्ट किया है वो अनअवेलेबल है यानी किसी और एंटिटी या किसी और बिजनेस ने उसे पिक कर रखा है तो दूसरा प्रेफरेंस जो आपने दे रखा है वो ओपीसी आपके नाम पे अलॉट की जा सके। फोर्थ इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी जब भी आप अपने इस ओपीसी को बना रहे हैं तो आपके पास एमओए और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए। फिफ्थ इज केवाईसी यानी इस डायरेक्टर का केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज ओनरशिप प्रूफ ऑफ दिस बिजनेस एंटिटी यानी इस बिजनेस को जिस प्रेमिसेस में जिस लोकेशन पे आप रन कर रहे हैं इसका ओनरशिप का प्रूफ। जरूरी नहीं है कि वो ऑफिस या प्रेमिसेस आप ओन करते हो, ये रेंट पे भी हो सकता है। अगर आपका ये प्रेमिसेस रेंट पे है तो रेंट अग्रीमेंट देना होगा। अगर आप इस प्रेमिसेस को ओन करते हैं तो ओनरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो देने होंगे आपको। तो ये वो कुछ बेसिक और सिंपल रिक्वायरमेंट्स थी ओपीसी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कीजिए, अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। तो इस वीडियो में हमने कवर कर लिया की फीचर्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड रिक्वायरमेंट फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ओपीसी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप फ्यूचर वीडियोस के लिए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो जब तक हम किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आते हैं तब तक आप यूं ही कमाते रहें, बचाते रहें और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहें। थैंक यू।